वहां भी बाबा टेनिस खेलते थे और कभी कभी जहां भी हमेशा ये जो मैदान है इस मैदान में बाबा क्रिकेट खेलता था। वो दरवाजा जो है ना, गेट जो दादी के अंदर ऑफिस के कमरे में जाता है, वहां बाबा खेलता था, बैट वहां करते थे और बॉलिंग यहां से होती थी। हम लोग बॉलिंग करते थे, कभी कभी बाबा भी बॉलिंग करते थे। और बाबा कभी आउट नहीं होते थे। बाबा बैडमिंटन भी खेलते थे। यहाँ जहाँ बाबा का कमरा है ना, उसके पिछले तरफ जहाँ कार्स खड़ी होती है हमारी, ये मैदान खाली रहता था, तो इस मैदान में हम लोग बाबा के साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो बड़ी दीदी जो होती थी ना, वो फिर हमको साथ में कभी चक्कर लगाने ले चलती थी, तो दीदी कहती थी अभी जान के बैडमिंटन खेलो। तो वहां रास्ते पर चलते चलते मुरली की पॉइंट्स वगैरह रिपीट करते, ऐसे बहलाते चलती थी। तो ये लाइफ बहुत हल्की है, कोई बोझ नहीं है सिर पर। बाबा कहते हैं सारा ही बोझ उठा करके मेरे को दे दो, कोई भी समस्या हो बाबा के ऊपर, बाबा को याद करके वो समस्या बाबा के ऊपर रख दो, लेकिन उसके बाद वो समस्या याद नहीं करो। अगर याद करेंगे वो समस्या वापस आ जाएगी, फिर बाबा जवाबदार नहीं है। इसलिए समस्याएं अपनी मिटाने के लिए ये एक सहज तरीका है, बाबा के ऊपर सब कुछ धर दो। बाबा का बच्चों के ऊपर बहुत फेथ था। हम लोग आए तो ऐसे ही जैसे दुनिया में रहते थे अनाड़ी लोग रहते हैं ना, दुनिया में तो सब अनाड़ी लोग होते हैं, तो हम भी अनाड़ी होकर के आए ना बाबा के पास, नहीं सब अनाड़ी थे तो भी बाबा हमारे में फेथ रखता था, बच्चे ये काम करो। तो फेथ रख करके और डायरेक्शन देता था, तो उसमें शक्ति भी समाई हुई होती थी, उसमें सारा जैसे कि अंदर ही अंदर नॉलेज आपे ही निकलता था। दादा विश्व रतन ने आपको बताया होगा ना अपना अनुभव, तो कैसे बाबा ने उसको डायरेक्शन दिया झाड़ का चित्र बनाने के लिए, और वो कोई आर्टिस्ट तो था ही नहीं, उसको पता भी नहीं था। तो ऐसा आर्टिस्ट न होते हुए भी इतना बढ़िया झाड़ बनाया है जिसमें लोग मनुष्यों का चित्र, मनुष्यों की शिकलें निकालना, ये कोई कम बात नहीं है आर्टिस्ट में। तो ये सब किसने कराया, बस फेथ रख करके चलते चलो। जो बाबा कहते हैं मुरलियों में बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जैसे बाबा कहता रहता है। बाबा रिपीट क्यों करता है, सारी मुरलियों में आप देखेंगे रोज रोज बाबा 20 दफा 40 दफा 30 दफा रोज कहता है बच्चे मेरे को याद करो मेरे को याद। आप बोलेंगे रोज बोलने की क्या जरूरत है, ऐसे थक जाएंगे ना, सुनते सुनते थक नहीं जाते हो। बाबा रोज रोज कहता है कि तुम मेरे को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। पहले दिन से लेकर के आज तक बाबा की यही मूल्यां है, अपने को याद करो, अपने को आत्मा समझ के मेरे को याद करो। फिर हो गया ये लेसन पूरा हो गया, नहीं हुआ क्यों? इतना दिन से लेसन बाबा पढ़ाता रहता है तो क्या फरमान बरदार नहीं हो क्या? फरमान बरदार हो ना, तो फरमान बरदार होते हुए भी क्यों नहीं ये अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो,
रोज रोज बाबा क्यों बोलता है, क्यों हमको भूल जाता है? क्योंकि अनेक जन्मों के ये संस्कार पड़े हुए हैं ना, तो वो बाबा मिटाने के लिए आए हैं। तो बाबा इतना मेहनत कर रहा है, हम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है, बाबा अपने समान बनाने की मेहनत कर रहा है, ताकि एक भी बच्चा अंत में फेल न हो। अंत तक ऐसी याद हम बच्चों की रहे और अपने को आत्मा भी हम समझते रहे, अंत तक जो हमारा जीवन सफल हो जाए, हम कर्मातीत स्टेज पर पहुंच जाएं। इसलिए बाबा बार 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 रिपीट करते रहते हैं और फिर हम लोगों को उसका चांस भी मिलता है। रिपीट करने के कारण हमको रोज रोज चांस मिलता है उस बात को फिर से अपने ऊपर मेहनत करने के लिए। बार बार मेहनत करते रहना है, ये जरूरी है। आप रोज खाना खाते हो ना? रोज खाना खाते रहते हो, रोज खाना खाते रहते थकते हो? नहीं, खाना खाने से थकते ही नहीं हो। तो इसलिए मुरली तो भोजन है ना, मुरली तो हमको तीन बार फुननी चाहिए। हम तीन बार खाना खाते हैं तो भी नहीं थकते हैं, तो हम एक बार ही मुरली खाली रोज सुबह में सुनते हैं। फिर कई लोग तो रिवाइज भी नहीं करते हैं और फिर अपने काम काज पर गए तो सब कुछ भूल जाता है, और खाना नहीं भूलता है, आराम करना नहीं भूलता है, मुरली भूल जाती है। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? कारण का अलबेला ही। बॉडी का जो रोज रोज बाबा बोलता है अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, फिर बॉडी कॉन्शियस कैसे हो जाता है? हम शुरुआत में जब बाबा की मुरली सुनते थे ना, तो साकार बाबे की मुरली जो है वो जैसे सागर की लहरें हैं। अभी भी मुरली हम सुनते हैं ना, तो दादी नहीं बताती है ये पॉइंट पूरी थी, अभी अचानक दूसरी पॉइंट शुरू हो गई, दूसरी पॉइंट से फिर तीसरी पॉइंट शुरू, कहाँ की पॉइंट, कहाँ कहाँ की पॉइंट, कहाँ सब तरफ कई योग की पॉइंट आएगी, योग की पूरी होकर के वो आधा में छोड़ करके बाबा ज्ञान की पॉइंट शुरू कर देगा, फिर धारणा की पॉइंट शुरू कर देगा, कभी सर्विस की पॉइंट शुरू कर देगा। तो हम शुरुआत में क्या करते थे, मुरली सुन करके फिर थोड़ा टाइम निकाल करके फिर हम चार नोटबुक्स रखते थे अलग, तो एक नोटबुक में मुरली से पॉइंट निकालते थे ज्ञान की, वो एक नोटबुक में डालते थे, फिर योग की पॉइंट आती थी वो योग वाली नोटबुक दूसरा, धारणा वाली तीसरी और सर्विस वाली चौथी, ये चार नोटबुक हम रोज उसमें भरते रहते हैं। उसमें से फिर हम लोग उसमें से क्वेश्चंस निकालते थे, जैसे बाबा कई बार कई बातों का जो दुनिया वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका खर्चा कैसे चलता है, ब्रह्मा कुमारियों का अर्थ क्या है, धारणा कैसे करते हो, योग क्या चीज है, दुनिया में कैसे कमल फूल समान रहे, ये सब सवाल है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। फिर उसके लिए हम अलग किताब रखते, कॉपी रखते थे, उसमें वो क्वेश्चन और उसके जवाब 8-10 लाइंस में वो लिखते हैं। हमारी इतनी कापियां बढ़ गई, हम स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ, हम धंधे धोरी वाले लोग नहीं है। आप धंधा धोरी करते हो? आप तो सब सरेंडर हो ना, नौकरी में भी है सरेंडर नहीं है सब? तो दादी ने वो बताया ये सब सरेंडर है, सेंटरों पर रहते हैं,
रहते सेंटर पर है सब। तो ये हमारे सामने कई दुनिया वाले क्वेश्चंस जो पूछते हैं, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, हजारों क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सब हम लिखते रहे। तो क्या है, बुद्धि उसमें लगी रहे और हमारी जो अंदर की जो एक्सपर्टनेस, जो हमारे सभी क्वेश्चन का आंसर, हम चैलेंज करते हैं दुनिया को कि तुम कोई भी सवाल पूछो, साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, कोई भी सवाल पूछो, हम सबका जवाब देंगे। क्योंकि उसकी हमको एक रमस चाहिए कि हम कैसे जवाब दें, कैसे मनुष्य को फंसाए। व्यापारी लोग हैं ना हम लोग, तो व्यापारी हमेशा कस्टमर को फंसाते हैं, उसकी वो पॉकेट खाली करने के लिए है, उनको ऐसी बातें बताएंगे जो उनका पॉकेट खाली हो जाए। बाबा कहता था, सुबह का साई मेरे बने लाई, कोई मत का मूड़ा गंड का गुड़ा में नहीं, जिसके पैसे में पॉकेट में पैसा पड़ा हो और मत का मूठा हो, ऐसा कोई ग्राहक भेजो। तो हमारे पास, मैं यहाँ म्यूजियम में मैनेजर हूँ, हमारा जो म्यूजियम यहाँ का है, तो उसमें मैं रोज शाम को जाकर के बैठता था, तो लोग आते हैं देख करके फिर बाहर निकलते हैं, तो हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कैसे लगा, क्या देखा अंदर, क्या समझा। तो कोई बोलता था, ये जो आप बोलते हैं 5,000 वर्ष का चक्कर, ये हमको समझ में नहीं आता है, आप कहते हो 5,000 वर्ष पहले भी मैं ऐसा ही आ जाता, ये कैसे हुआ। अभी आप उसको क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, अगर जवाब दिया तो डिस्कशन चल जाएगी। फिर हम उनको रमस से हैंडल करते थे, ये जो चक्कर है, दुनिया का चक्कर है, उसमें आप भी एक्टर हो, आप हो ना एक्टर, बोलेगा हाँ हम एक्टर है। तो आप जो एक्टर हो, वो एक्टर कौन, कौन है एक्टर, आप कौन हो। तो मेरा नाम ये है, ये तो आपका शरीर का नाम है ना, आप कौन हो। तो उसको आत्मा के पॉइंट पर लिया, तो तुम आत्मा हो। तो पहले जब उसको आत्मा के पॉइंट पर खड़ा कर दिया, तो वो जो अंदर से वो बुखार भर के आया था, ये चक्कर कैसा चलता है, वो तो उसको भूल गया। जो एम वो ले आता है ना, उसके एम भगानी चाहिए। अगर सीधा ही उसको जवाब देने शुरू कर दिया तो आप खुद फंस जाएंगे, क्योंकि हम कोई पढ़े लिखे थोड़ी है, ये तारे कौन से हैं, स्टार कौन से हैं, समुद्र में लहरें कैसे फैल, ये हमको क्या मालूम। ये तो उनको तो मालूम है, तो वो तो आपको बीच हालो बीच कर देंगे। तो उनको अपने कब्जे में ले आओ, पहले अपना शिष्य बनाओ, नीचे नमाओ, वो फिर कहेगा हाँ जी आपकी बात राइट है। फिर उसको खींच जाओ कि 7 दिन का कोर्स करो, तो फंस जाएगा। तो ये ज्ञान में बहुत तजवीज है, युक्तियां हैं, ये युक्तियां आप सोचते रहो हमेशा, तो आप कभी भी थकेंगे नहीं। और कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कई लोग हैं जो घबरा जाते हैं, अभी ये क्वेश्चन पूछा हमको आता नहीं, अभी क्या जा। तो फिर हम बोलेंगे जी हमारी बड़ी बहन जी है, उसको हम बोलते हैं, वो आपको जवाब दे, हमारे में ताकत नहीं है, तो फेल हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये स्टडी है ना, हम स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट लाइफ हमारी भूल जाती है, गृहस्थी लाइफ याद आ जाती है, पैसा कमाना है, ये कमाना है, ये करा, दंडा धोरी, ये वो, अच्छा सेंटर का काम हुआ तो सेंटर का, और दूध ले आना है, फलाना ले आना है, इसी धंधों में पूरा हो जाते हो। ये धंधा करते हुए भी शौक रखना चाहिए, ये शौक होगा तो आप बहुत कुछ सेवा कर सकेंगे, और जितना सेवा में आप संलग्न हो जाते हैं, उतना आपकी बुद्धि जो है वो दुनियादारी के तरफ नहीं जाएगी।
इस सेवा में लगी हुई होगी तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद आएगी। क्योंकि हम समझाएंगे तो बाबा की ही बातें समझाएंगे, हमारा ज्ञान तो सारा बाबा का ही ज्ञान है, तो बाबा का ज्ञान समझाते समझाते हमको बाबा ही याद आएगा। ये है हमारा अनुभव। अनुभव रूखा रूखा नहीं होता है, हमने ऐसे किया फिर ये हमारा वो हो गया, फिर हमने ये किया वो किया, ये अनुभव नहीं है। अनुभव ये है कि अपने को एक्सपर्ट कैसे बनाना चाहिए। हर बात में मनुष्य होशियार होने चाहते हैं। कोई भी स्टूडेंट होता है तो चाहता है कि हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट में आए। जो ऐसे जैसे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं जब वो पास हो गया तो भी ठीक है, और वो तो फेल हो जाएगा ना तो भी बोलेगा ठीक है कोई हर्जा नहीं, दूसरे साल पढ़ लेंगे। ऐसे अलबेलापन नरक करके और ऐसे आप स्टूडेंट लाइफ में, पक्के स्टूडेंट लाइफ में फाइनल ऐसे रहो, तो हम जो बथियां आकर के करते हैं ना, वो हम दूसरों को बथियां करा सकते हैं। हमारे पास माल होगा, खजाना होगा, तो हम दूसरों को दे सकेंगे ना। हमारे पास ही कम हो जाएगा तो हम मांगते हैं दादी हमको बठिया कराओ, बहुत दिन हो गए है बठी नहीं की है, हम तो यहाँ झंझट में फंसे हुए पड़े हैं। झंझट कहेगा, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, झंझट कौन सा है क्या कोई झंझट है क्या है, यहाँ सभी झंझट में हो, निकलता नहीं है बराबर झंझट में है क्या, नहीं सच बोलते हो यह सच रियल ट्रू स्टूडेंट लाइफ में रहो, हंसो खेलो खाओ मौज करो। ये ज्ञान कोई दूसरे भक्ति मार्ग वालों के माफिक नहीं है, उन्हें के पास कोई खुशियां नहीं है। वो तो ग्रंथ साहब पर एक नाम एक ओंकार सतनाम करता चलो फिर चलो झंझट में। हम कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है, हमारा सारा दिन खुशियों में पूरा होना चाहिए। अभी तो डायमंड जुबली है, हीरे ही हीरा चमकता हुआ देखने में आना चाहिए, सारा दिन हमको हीरे ही देखने में आना चाहिए। हीरा माना खुशी, तो उस खुशियों का खजाना जो बाबा इतना दिया है उसमें रमण करते रहो रमण करते रहो, तो हमारी रियल ज्ञान की लाइफ वही है। हम सेवा के पीछे लगेंगे तो हमारे पवित्रता भी ऑटोमेटिकली आएगी। इन बातों के पीछे नहीं पड़ना है, वो हमारे पीछे आप ही आएगी। अगर सर्विस में हम लग जाएंगे तो हम सर्विस में क्या बताएंगे, तो जीवन में पवित्र रहना चाहिए यही सिखाएंगे ना। तो ऑटोमेटिक जब दूसरों को सिखाएंगे तो फिर अपने में नहीं आएगी। अगर दूसरों को सिखाएंगे और अपने में कमी हो जाएगी तो फिर तो शर्म आएगा, बोलेगा हम अभी अभी उसको बता के आया तो ये पवित्रता होती है, ऐसे पवित्र रहना होता है ये होना, और मैं आया तो कहाँ के ये उल्टे सुलटे ख्याल आती है, कहाँ से आ गए फिर हमारे पास। तो ये माया बिल्ली पीछे का दरवाजा खोल करके घुस जाती है, तो उसको पकड़ने के लिए हमको सारा दिन सारी रात इसी ख्यालात में रमण करना जरूरी है। और इसमें खुशी बढ़ती है, हमको चाहिए क्या दुनिया में, चाहिए क्या हमको, खुशी चाहिए ना, सुख चाहिए ना, शांति चाहिए ना। तो सुख शांति खुशी ये कैसे आएगी, तो हम ये खुशी सारी बाबा के मूल्यों से निकालें। जब हमारे पास वो खजाना भरपूर है
बाबा से मिलता भी रहता है, रोज रोज मिलता रहता है, तो फिर उसमें रमण करेंगे तो आपको वो खुशी बढ़ती जाएगी, आपका चेहरा कभी उदासीनता नहीं रहेगी। यहां भी आए हो तो खुशियां भरने के लिए आए हो ना, हाँ, यहां से जाएंगे तो खुशियां भर के जाएंगे ना, उदासीनता तो नहीं भर के जाएंगे, हाँ, खुशियां भर के जाएंगे। बाबा जो कुछ कहता है सिखाता है वो सीखते जाना है, भंडारा भरपूर करके जाना है। हम लोग जब सर्विस पर होते थे, बाबा कभी दिल्ली जाओ, कभी बॉम्बे जाओ, लखनऊ जाओ, कानपुर जाओ, अहमदाबाद सेंटर खुला है तो अहमदाबाद सेंटर पर जाओ, सरेंडर बुद्धि है ना, सरेंडर लाइफ है, तो सरेंडर लाइफ में बाबा कहता है एक जगह नहीं बैठना चाहिए, चलते चलो। अगर आपके पास वखर है, खजाना है, दूसरे को देख करके आप आगे चलो। बाबा टीचर्स के लिए भी कहते हैं ना, तो एक टीचर एक जगह पर न बैठे, वो दूसरे को ईच वन टीच वन सिखाते चलो। सारी दुनिया को सिखाना है ना, खाली थोड़े 4 लाख 5 लाख हो गया तो हम खुश हो गए क्या? सारी दुनिया को सिखाना है। हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठे हुए कितनी करेस्पॉन्डेंस, हम तो थक जाते हैं, सारा दिन लिखा पड़ी, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, मेलिंग लिस्ट निकालो, 1000 लोग हैं उनको एक एक को चिट्ठियां जानी चाहिए, कितना मेल रोज जाता है यहाँ से, कितना ढेर चिट्ठियां आती है रोज, कोई सवाल जवाब पूछते हैं, कोई लिटरेचर मंगाते हैं, कोई क्या करते हैं, सेंटरों पर इतनी एक्टिविटी तो होती नहीं है, तो सेंटर्स पर ये एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए। आप देखो जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं हमारे, बॉम्बे के बड़े बड़े सेंटर्स हैं, दिल्ली के बड़े बड़े सेंटर्स हैं, इंदौर के हैं, भोपाल के हैं, बहुत जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहां देखो कितनी एक्टिविटीज होती है। वो एक्टिविटीज क्यों होती है? क्योंकि उसमें वो बिजी रहते हैं, लोगों को कॉन्टेक्ट करने में बिजी रहते हैं। हमारा धंधा है, ये बिजनेस है, अगर ये बिजनेस न करेंगे तो कमाई कहां से होगी, फिर खाएंगे कहां से? जो बिजनेस नहीं करते हैं ना, जिनकी कमाई नहीं होती है, उनका खाना जाकर के देखो बेचारे, वो होता है ना बाजरे की रोटी और मिर्ची, बस वो खा करके पूरा कर दिया। हमको तो हलवा सीधा पूरी चाहिए ना, हम ऐसे ही थोड़े में खुश होने वाले हैं क्या? बाबा के बच्चे हैं, सिकिला के बच्चे हैं, हम होवनहार शहजादे हैं, रॉयल है, हमारी रॉयल्टी सारी दुनिया से ऊंची है, हमारी रॉयल्टी इतनी ऊंची है जो बाबा कहता था, बच्चे मैं तुमको कहूं कि इंग्लैंड की महारानी का जाकर के बच्चा बनो तो बनेंगे? बनेंगे क्यों? इतनी बड़ी महारानी है, आप अगर वहां जाके पाल ना लियो तो कितना माला माल हो जाएंगे। हाँ, अच्छा। तो फिर बिजनेस करना पड़ेगा ना, बिजनेस माना बिजनेस वाले जो होते हैं ना, वो ग्राहकों को फंसाते हैं। हम बॉम्बे में सर्विस करते थे तो सुबह में जाते थे बगीचे में, बाबा कहता है बगीचों में जाओ, बगीचे में बहुत लोग घूमने फिरने आते हैं, तो फिर उनके बाजू में जाकर के बैठो, देखो वो क्या बोलते हैं, फिर उनके साथ छेड़छाड़ करो। वो जो बात बोलते हैं उसमें अपनी टांग लड़ाओ, उसको बोलो तो ये भाई ये क्या बोलते हो, ऐसे तो है नहीं, ये बात आप क्या बोलते हो, दुनिया कितना टाइम चलेगी? बोलते हैं पता ही नहीं, लाखों बरस चलती है, और लाखों बरस कहाँ रखा है, तुम अभी दुनिया की हालत नहीं देखते हो, कौन सी दुनिया? तो वो सब आपको सुनने लग पड़ेंगे, वो अपनी बातें सब भूल जाएंगे। तो अपने तरफ ऐसे ऐसे ग्राहकों को पकड़ो।
तो एक नहीं बहन थी जिसने कहा था, तो बहन जी मैं इसको ले आया हूँ, आप इसको पकड़ना। तो ग्राहक ने सुन लिया, वो भाग गया वहां से, बोले पता नहीं ब्रह्मा कुमारिया का क्या करती है, पकड़ेगी। ये सब हुनर, ये आर्ट है। हम रस्ते चलते हंसते गाते चलते हैं, कोई पूछे भाई क्यों हंसते हो, अरे हमको माल खजाना इतना मिला है जो हम समझ नहीं सकते। तो कहेगा कौन सा माल खजाना मिला, देखने में तो कुछ याद आता नहीं, सफेद कपड़ा की ताका जी। तो बाबा कहते हैं रांझू रमजबाज बनो, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए रमजबाज न बनना पड़ता। हम कम सुनते हैं। आप रोज क्या बोलते हैं, पागल। तो उनको पागलपन से उनको अट्रैक्ट करके और इतनी समझदार बातें बताओ जो उसका दिमाग गोल हो जाए, बोले इसको तो मैंने समझा था पागल, पर मैं पागल हूँ। वो समझ जावे। और ये सब रमजबाजी किसमें आएगी जो सारा दिन इन बातों में रमन करेगा और खुशनुमा रहेगा। हम चलते फिरते बाजार में पूछते थे, घड़ी पॉकेट में डाल देते थे, भाई साहब कितना बजा है, और बोलेगा तो 10 बजे। मैं ये टाइम नहीं पूछ रहा हूँ, दुनिया की घड़ी में क्या बजा है। बोला दुनिया की घड़ी कौन सी है। तो बोलो आओ मैं समझाता हूँ। और ले जाके किनारे, कहीं किनारे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ जाके, उसको समझाते समझाते उसको पागल बना दो एकदम। वो आपके पीछे पागल होकर के घूमे। दुनिया कहती है हम पागल, हम कहते हैं दुनिया पागल। शुरुआत में बाबा ने ये गीत बनाया था, दुनिया ने तो हमको अपने तरफ से हटा दिया था ना, उन्होंने समझा तो इनके ये लाइफ क्या है, ये तो सारी हमारी लाइफ ही खराब कर देंगे। जब बाबा ने बताया कि तुमको पवित्र रहना है, घर गृहस्थ में रहते हुए स्त्री पति इकट्ठे रहते हुए आपको पवित्र बनना है, तो उनका तो दिमाग खराब हो गया, हम कैसे रहेंगे, दुनिया कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, ये सब सवाल पूछते रहते थे। तो बाबा ने कहा नहीं, ऐसे गीता में लिखा हुआ है काम विकार महाशत्रु है, उसको जीतना है। तो हम तो गीता सुनाते हैं, बाबा गीता सुनाते हैं, हम कोई दूसरी नई बात थोड़ी सुनाते हैं। आप क्यों नहीं भगवान की मानते हो, भगवान तो अच्छी बातें बताता है, तुम मानो। वो मानते ही नहीं थे, इतने तक नहीं मानते थे, वो पागल हो गए, हमको घर से निकाल दिया। बोला हमको ऐसे नहीं लोग चाहिए। तब तो हम लोग निकले घर से। बाबा ने जानबूझ करके ऐसी खुरपी, जैसे करते हैं ना वो बगीचे में खुरपी करते हैं, तो फ्रेशनेस आवे उसमें। तो बाबा ने कहा सारी दुनिया को एकदम पागल बना दो, दुनिया के साथ हम अपनी कंपैरिजन करते हैं एक्टिविटी की, तो दुनिया की एकदम एक्टिविटी उल्टी है और हमारी बिल्कुल अलग है। जो भी बात दुनिया वाले बोलते हैं हम कहते हैं वो राइट नहीं है। एक भी बात बताओ जो दुनिया वाले कहते हो और हमारे ज्ञान के कसौटी पर राइट निकले, कुछ नहीं राइट है। दुनिया की लाइफ लाखों बरस, हम कहते हैं 5000 वर्ष। मनुष्य जानवर बनता है, हम बोलते हैं जान बनता ही नहीं है।
लेकिन अभी जानवर से भी बदतर हो गया मनुष्य। ना एक एक का अनुभव निराला होगा। कोई गया एग्जीबिशन में, देखा भाई बहन ने बताया शिव और शंकर, अरे शिव और शंकर अलग है, हम तो ऐसे समझते नहीं है, ये कैसे हो गया। चलो भाई आप भी हलो पागल। हमको तो बाबा ने कहा तुम छोड़ो ये क्या धंधा दौड़ी कर रहे हो। बाबा का तो संबंध था, लौकिक संबंध था मेरे साथ। बाबा ने मेरे को अपने भतीजी के साथ शादी कराई थी ज्ञान के पहले, 1930 में। ज्ञान शुरू हुआ 1937 में, तो बाबा का मेरे साथ रिलेशनशिप पहले से ही था। और फिर बिजनेस में भी बाबा ने अपने साथ रखा। हाँ बच्चे किसको? मेरे बच्चे तो है नहीं। बाबा एक बच्चा है मेरा। जो बच्चे थे वो सब बाबा को समर्पण कर दिए। हम ही बच्चे समर्पण हो गए तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। हमने MBBS फॉलो किया, पास किया, मेरा बीबी बच्चों से तब समर्पण। तो फिर बिजनेस में भी बाबा के साथ रहे, लेकिन बाबा की पहले ही शुरू से लेकर के, आपने तो सारी बाबा की कहानी पढ़ी होगी ना किताब, तो बाबा तो शुरू से लेकर के गुरुओं के पीछे रहता था। तो मेरी लाइफ जो है वो अच्छी बने, पवित्र बने, लेकिन कोई भी गुरु बाबा के जीवन को पलटा नहीं सका। उनके पास ज्ञान ही नहीं है तो पलटेंगे कैसे? पवित्रता आती ही तब है जब हम अपने को आत्मा समझें। और दुनिया में कोई भी गुरु गुसाई, कोई भी बड़े में बड़ा आदमी अपने को आत्मा समझ के चलता ही नहीं है। बड़े बड़े गरंग महामंडलेश्वर और विवेकानंद को आत्मा का ज्ञान था नहीं था? लिखत में उसने बहुत लिखा है, आत्मा के बारे में बहुत लिखा है। रामकृष्ण परमहंस जिसका वो चेला जाके बना, उसको भी बाबा कितना बड़ा चैलेंज देता है, सारी दुनिया को चैलेंज देता है। यहाँ जो महामंडलेश्वर हरिद्वार वगैरह वाले आए थे वो हाथ जोड़ करके दादी को कह के गए, दादी जो काम आप करते हो ना हम नहीं कर सकते, हम पवित्र रहना ये भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। जब इतने तक भी उन्होंने लायकात नहीं है तो दुनिया को क्या चला सकेंगे? तो हम इतने छोटे अनपढ़ अनजान बच्चों को बाबा ने कमाल किए, इतना बड़ा बना दिया है जो कोई भी हमारा सामना कर न सके, इम्पॉसिबल। इतनी शक्ति बाबा ने हमें भरी है और उस शक्ति का हमको उपयोग पूरी रीत से करना चाहिए। इसके लिए प्रयोग पहले करना चाहिए, प्रयोग करेंगे तभी उपयोग करेंगे। तो प्रयोग ऐसे ऐसे हल्के, हम अपने को हमेशा हल्का रखें। कोई भी भारीपन आ जाता है दिमाग में तो फिर वो हमारा जो ज्ञान है वो सूख जाता है, अंदर पानी सूख जाता है। हमेशा चेहरा, बाबा ने कहा ना हमेशा चेहरा खुशनुमा रखो, खुशी वाला चेहरा। कोई भी देखे तो समझे तो इनको कोई खजाना मिला है। बाबा ने अपना अनुभव सुनाया था, तो एक बड़ा व्यापारी था जो बाबा का दोस्त था हैदराबाद में, तो एक बारी जब बाबा को ये ज्ञान मिला था तो जाकर के उसको समझाया, दुकान पर बैठ करके उसको समझाया, एक घंटा समझाया, वो 3 दिन पागल हो गया। 3 दिन उसको दुनिया की सुध-बुध नहीं रही। ऐसी बातें बाबा ने उसको बताई
जो बात मत पूछो। तो हमारे पास जो अंदर खजाना है वो बाहर निकालना चाहिए, अंदर में रख करके खुश नहीं होना चाहिए। तो हम भी वो जो बाबा उसको कहते हैं मियाँ मिठू, हाँ मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे पास ये पॉइंट है ये पॉइंट, और उसका यूज करो ना। फसाना नहीं है तो कैसे यूज करें? तो खुद ही फंस जाते हो क्या? प्रैक्टिस करेंगे तब फंसाएंगे ना। अच्छा भाई 10 बज गए, आप सारा दिन आज बहुत तपस्या की है इसलिए रात को आराम करो। हाँ ज्ञान के मैं मैंने ये बताया ना, बाबा ने बिजनेस में भी अपने साथ रखा, फिर 1937 में तो बाबा चला गया, तो मैं तभी तक भी बिजनेस नहीं था। उसके बाद भी हमको ज्ञान ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता था, हम तो बिजनेस में रहते थे, सूट बूट नेक टाई कॉलर पहन करके अप टू डेट चलते थे बिजनेस। टाई नेक टाई कॉलर सब। तो फिर 2 साल के बाद 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जापान वाले कलकत्ते तक पहुंचने वाले थे, तो हमारा बिजनेस तो कलकत्ते में था, तो कई व्यापारी लोग कलकत्ता भी छोड़ करके बनारस वगैरह में चले गए थे, इतना डर था। लेकिन हम तो अपने काम में धंधे में रहते थे, तो हमको गर्मी के दिनों में वहां से 1 महीना 2 महीना हम निकलते थे छुट्टी पर। तो मैं आया बाबा के साथ मिलने के लिए, बहुत दिन हो गए थे, तो कलकत्ते से आए फिर हैदराबाद अपने घर में, फिर वहां से बाबा को मिलने गए कराची में। तो कराची में बाबा से मिलने, बाबा तो ज्ञान में था, ज्ञान चालू था, तो मैं जब मिलने गया तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी क्या रखा है, यहाँ दुनिया में कुछ है नहीं, देखो ना ये लड़ाई लग जाए। बाबा पहले से ही शुरुआत से ही कहता था कल्प कल्प कर्म क्षेत्र पर होती धर्म ग्लानी जभी, यादव पांडव यादव कौरव आपस में मिलते हैं वो लड़ाई करते हैं, ये सब बाबा ने एक गीत बनाया था शुरुआत में। तो बाबा पहले से ही बोलता था लड़ाई लगने वाली है, लड़ाई लगने युद्ध लगेगी, वर्ल्ड वॉर लगेगी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर तो ऐसी लगी जो बहुत लोग उसमें खत्म हो गए, आखिर में उसका नतीजा यही निकला जो ये एटम बम है जो निर्माण शुरू हो गया। तो बाबा ने कहा तो ये छोड़ो, मैंने बोला तथास्तु, न ज्ञान न समझ न कुछ भी नहीं। बाबा ने बोला तो बाबा तो बुजुर्ग था ना, हमारा और बाबा के बीच में 30 वर्ष का फर्क था, हम तो यंग थे, मैं था 29 वर्ष का और बाबा था 60 वर्ष का, तो बुजुर्ग हमारा लगा ना। और वैसे भी बाबा बड़ा था तो हमको तो बाबा के लिए पहले से ही रिगार्ड था, फादर इन लॉ था बाबा, तो उसकी माननी पड़ेगी ना। तो हमको क्या अकल था, तो बाबा के ही अकल पर चलना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा छोड़ दो, हमने बोला छोड़ा। बस घर जमाई बन गए। बैठ गए तो बाबा ने हमको काम में लगा दिया शुरू से ही लेकर के। मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, बीए पास की थी, उन दिनों में बीए कोई पढ़ता ही नहीं था, और तो भी अंग्रेजी में कौन पढ़ता है, इतना पढ़ते ही नहीं थे। तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो शुरू से ही लेकर के बाबा जो जो भी कुछ लिखता था शुरुआत में, फिर मुरलियां भी चलाने लगे बाबा, और बड़े बड़े जो महात्मा लोग, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिक्स वाले बड़े महाराजाएं राजाएं सब जो भी बड़े बड़े लोग थे उनको बाबा
पत्र लिखते थे, पत्र ऐसा लिखते थे जो उनको एक अक्षर भी समझ में नहीं आता था। भाषा इंद्र बाबा की निराली थी ना। बाबा शुरू करता था परम पिता परमात्मा से ज्ञान का सागर सुख का सागर, वो पतित पावन, वो ये 10 लाइन में एक लाइन होती फुल स्टॉप एक, तो वो तो समझ ही नहीं सकते थे। हम भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते थे तो ऐसे ही करते थे, 10 लाइन की 10 लाइन। तो उन दिनों में बाबा ने फिर किताब भी छपाने शुरू किए, प्रेस में छपाने का काम वो भी मैं करता था, और सारा गोल्डन किताब छपता था, स्याही लाल स्याही में छप करके ऊपर में गोल्डन पाउडर वो लगा करके, फिर कवर भी गोल्डन शीट, ऐसे गोल्डन शीट का कवर, ऐसे किताबें बना करके बड़े बड़े लोगों को सबको पोस्ट करके भेजते थे। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, और सारा पैसा जो बाबा का था तो उसमें सभी दूसरे भी जो आए उन्होंने भी भंडारा भरपूर कर दिया, सब डालते गए, सब डालते, कोई हीरा ले आया, कोई जवाहरात ले आया, कोई कपड़ा ले आया, सब उसमें यज्ञ में स्वाहा। और जितना यज्ञ में स्वाहा होता गया उसमें से हमने 14 बरस खाना पीना खाया। और सब माल मिठाई, गरीबी की नहीं, साहूकारी राजा ही का ठाट से बाबा ने हमको पालन किया। इतना पैसा था, उन दिनों में पैसा बहुत सस्ता था, उन दिनों का 1 रुपया, आज वो 1 रुपया जो है वो बाजार में बिकता है 100 रुपए में, चांदी का रुपया उस दिनों का 100 रुपए बाजार में मिलता है। तो अभी तो दाम भी बढ़ गए, अभी तो 1 रुपए का 1000 रुपया हो गए, इतनी सस्ताई थी उन दिनों में, तो क्यों ना खाएंगे पियेंगे। तो बाबा ने शुरू से लेकर के ये ट्रांसलेशन का काम, मैं था, विश्वरतन दादा था, दूसरा भी एक भाई था, ऐसे आपस में मिलजुल करके चलते थे। ये ऐसा हुआ हमारा समर्पण स्वाहा, फिर तो चलते रहे। अच्छा तो हम चलते हैं बाबा के पास। ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिर कब सुनाएंगे, गीत में याद करता ही नहीं हो, एक लाइन कहां से एक लाइन कहां से। जवाब बोलेंगे तो हाँ, एक अनलिमिटेड 86।